जी जनाब, मेरा नाम है मुदस्सर, ये है तवज्जो शो और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बी गुड एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को कैसे बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, किसी भी एक्सपर्टीज को कैसे अपनाया जा सकता है और किसी भी काम को कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो इसका सयाको सबाक है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली इट्स जस्ट वन लिटिल डर्टी सीक्रेट, एक ही सीक्रेट है जिससे आपको अंदाजा होगा कि इससे आप किसी भी चीज में बहुत कामयाब हो सकते हैं। एक स्टोरी है कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है, उसके हाथ में खत होता है, वो खत अपनी अम्मी को पकड़ता है तो उसके खत में लिखा होता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा जहीन है और इसको दूसरे स्टूडेंट्स देख के कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, हमें लगता है कि इसको स्कूल की जरूरत नहीं है, आप इसको घर पर पढ़ाएं। उसकी माँ ये खत ऊंचा पढ़कर बच्चे को सुनाती है, बच्चा बड़ा खुश होता है, माँ कहती है आपसे मैथ में पढ़ाया करूंगी क्योंकि तुम इतने ज़हीन हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी क्या क्या तुम कर सकते हो और क्या क्या तुम नहीं कर सकते। बच्चा ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है, बच्चे को यकीन होता है कि वो बहुत कैपेबल है, तो बच्चा स्टार्ट करता है अपनी ज़िंदगी। यहाँ से उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो कुछ अरसे बाद जब वो जवान होता है तो उसके पास ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा पेटेंट इन्वेंशन होते हैं, 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन वो कर लेता है। उस इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन लाइट बल्ब भी है, बल्ब जिसको आज हम जिसके बगैर जिंदगी पॉसिबल समझते हैं। इस बंदे का नाम है थॉमस एडिसन। ये जब इतने मशहूर हो गए इनकी माँ की वफात हो, इन्होंने सोचा कि मैं अपनी माँ की पुरानी चीजें देखता हूँ, पुरानी चीजों में इनको वो खत भी मिला। इन्होंने खत खोला और खत में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही बेवकूफ है, हमें नहीं लगता कि ये आगे पढ़ पाएगा, तो उम्मीद है कि आप इसको खुद पढ़ा लें, अगर पढ़ा सकते हैं हम इसको स्कूल से निकाल लें। तो इस स्टोरी का सदुभाव ये है कि उस माँ ने इस बच्चे को सिर्फ ये यकीन दिलाया कि वो कर सकता है, वो कोई भी चीज़ कर सकता है और वो पॉजिटिवली चीज़ें करना शुरू हुआ और उसने 1000 मैसेज कर लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल छोड़कर बैठ जाएं, इसका ये मतलब है और सीक्रेट ये है कि आपको अगर खुद पे यकीन हो कि आप वो चीज़ कर सकते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी चीज़ कर सकता है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। स्किल सीखी जा सकती है, खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं या नहीं। अगर आप डर रहे हैं, अगर आप दिल में सोच रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे हैं एक काम करने जा रहे हैं तो एक दोस्त कह रहे हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, पता नहीं कैसे होगा। अगर आपके दिल में ये चीज़ है तो आप वो चीज़ कभी नहीं कर सकते। और दूसरा सीक्रेट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो प्रैक्टिस। सबसे पहले अजम बनाना है मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी इंसान पहली ट्राई में परफेक्ट नहीं होता, तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपको यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन करेंगे। तो उम्मीद है आप ये ट्राई करेंगे और अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन करते हैं तो प्लीज़ वीडियो में मेंशन करें। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करके दिखाता रहूँ। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो।